एवरी वन वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल शहजी टेक्निकल स्माइल सो कोई भी वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे जहन में एक ही बात आती है कि हमारे यूट्यूब कामनील एंड थमनिल कैसा होगा सो इन दिस वीडियो आई कैन टेल यू हाउ यू कैन मेक अट्रैक्टिव थमनिलल फॉर यूर यूट्यूब कॉन्टेंट लाइक दिस सो लेट्स हवाई यूट्यूब वीडियो सिंपली यार आप लोगों ने क्या करना है आप लोगों ने चले जाना है पिक्सल लैब में ठीक है पिक्सल लैब में जाने के बाद अब ये आप लोगों के पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा ठीक है अब यहाँ पे आप लोगों को एक ऑप्शन नज़र आएगा वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ ठीक है आप लोगों को यहाँ पर एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा ऊपर डिलीट का सिम्पली आप लोगों ने क्या करना है इसी के ऊपर क्लिक कर देना है इसी के ऊपर क्लिक करेंगे आपका जो टेक्स्ट है वो डिलीट हो जाएगा ठीक है अब आप लोगों ने क्या करना है आप लोगों को थ्री डोर्स जहाँ पे नज़र आ रहे हैं मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ ये वाले ठीक है सिंपली आप लोगों ने क्या करना है इसी थ्री डोर्स के ऊपर क्लिक कर देना है इसके ऊपर क्लिक करेंगे अब यहाँ पर हमें एक और ऑप्शन नज़र आएगा इमेज साइज़ का ठीक है ये वाला एक दो तीन चार पाँच पाँचवें नज़र पे आएगा पाँचवें नंबर पे आया हमारे पास इमेज साइज़ सिंपली आप लोगों ने क्या करना है इसी के ऊपर क्लिक कर देना है ठीक है इसी के ऊपर क्लिक कर देने के बाद अब यहाँ पे आप लोगों को कस्टम का ऑप्शन नज़र आ रहा है यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है इसके ऊपर क्लिक कर देना है अब यहाँ पे हमसे वो कह रहा है कि भाई आप स्केर की पिक्चर क्रिएट करना चाहते हैं प्रोफाइल पिक्चर यूट्यूब चैनल बैनर यूट्यूब थंबनेल फेसबुक कवर आर्ट गूगल प्लस कवर फोटो ट्विटर साइज तो अभी हमने क्या करना है हमने YouTube थंबनेल क्रिएट करना है ठीक है अब यहाँ पे हमारे पास इसकी जो रेश्यो है वो आ जाएगी एस्पेक्ट जो रेश्यो है इसकी 16.9 पॉइंट नाइन है विद जो है इसकी वन थाउजेंड टू एटी है हाइट सेवन ट्वेंटी है ये हमेशा आप लोगों ने याद रखनी है क्योंकि कंपनी सिर्फ एक एप्लीकेशन में नहीं बनता इसके लिए हमें और भी एप्लीकेशन मतलब के रिक्वायर्ड हैं हम और भी एप्लीकेशन में बना सकते हैं जैसे कि पी एस टच हो गया अडोव फोटोशॉप हो गया ई टी सी बहुत सारी वेबसाइट है मतलब कि एप्लीकेशन है जिन पर हम थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं तो इन चीज़ों को याद रखना लाजमी है ठीक है अब आप लोगों ने क्या करना है ओके के ऊपर क्लिक कर देना है ओके के ऊपर क्लिक कर दिया अब यहाँ पर आप लोगों को नीचे गौर करना है कि आप लोगों ने इसका कलर किस तरह चेंज करना है जो हमारे पास बैकग्राउंड कलर है वो हम लोगों ने किस तरह चेंज करना है ठीक है अब यहाँ पे आप लोगों को नीचे आएंगे यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है ठीक है सिंपली आप लोगों ने क्या करना है इसी के ऊपर क्लिक कर देना है इसी के ऊपर क्लिक कर देंगे तो हमारे पास एक ऑप्शन एक और ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा पहला पहला ऑप्शन आएगा कलर का ठीक है सिंपली आप लोगों ने क्या करना है कलर के ऊपर क्लिक कर देना है अब कलर के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे अगर आप लोग कलर सेलेक्ट करना करना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी आप जो आपको बेस्ट लगे कलर वो सेलेक्ट करें बट मैं आपको एक ही कलर सजेस्ट करूंगा ठीक है ग्रेडियंट आप लोगों ने ग्रेडियंट में जाना है ये वाला कलर सेलेक्ट कर लेना है ठीक है ये वाला ये वाला या फिर ये वाला यहाँ पे आप लोगों ने इसको एडजस्ट कर लेना है मैं आप लोगों को अपनी सेटिंग दिखा लेता हूँ दिखा देता हूँ आपने उस मुताबिक अगर आप लोग इसको एडजस्ट करना चाहें तो एडजस्ट कर सकते हैं ठीक है थीके? आप लोगों ने क्या करना है प्लस के ऊपर जाना है यहाँ पे आप लोगों ने इसको एडजस्ट कर लेना है ठीक है अब आप लोगों ने ओके okay के ऊपर क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे टिक कर देना है अब इतना तो हमारा हो चुका मीन्स कि हमने जो है ना अपनी यहाँ पे बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट कर लिया है अब मेन चीज़ नेक्स्ट हम इसमें ग्राफ किस तरह क्रिएट करेंगे और उसमें किस तरह हम कलर फील करेंगे वो मैं आप लोगों को बताता हूँ ठीक है अब यहाँ पे आप लोगों को एक और ऑप्शन नज़र आ रहा होगा तीसरे नंबर पे ठीक है ये वाला आपने सिंपली इसी के ऊपर क्लिक कर देना है इसी के ऊपर क्लिक करेंगे अब यहाँ पर फिर से आप लोगों को एक ऑप्शन नज़र आ रहा है बेजियर का ठीक है बेजियर का ऑप्शन नज़र आ रहा है अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है क्लिक कर देना है बेजियर के ऊपर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे अगेन मैं आप लोगों को एक और चीज़ दिखा देता हूँ ठीक है हमारे पास ये वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है आपने सिंपली इसके ऊपर एक बार क्लिक कर देना है ठीक है इसके ऊपर क्लिक इसके ऊपर क्लिक कर देंगे अब नीचे से फिर से आप लोगों को इस तरह का कटआउट का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है अब हमारे पास क्या है ये एक एरो हो चुका है अब नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पे ये दूसरा ऑप्शन नज़र आ रहा है जॉइंट का ठीक है आपने इसी के ऊपर क्लिक कर देना है इसी के ऊपर क्लिक करके अपने जो एरो है इसको नीचे की तरफ लेके आना है ठीक है सिंपली अब आप लोगों ने क्या करना है अपना यहाँ से ग्राफ ड्रा करना है वीडियो आप लोगों ने फुल वॉच करनी है ठीक है मैं जल्दी से अपना ग्राफ जो है ना वो ड्रा कर लेता हूँ ठीक है अपनी मर्जी का आप लोगों ने ग्राफ ड्रा कर लेना है अब आप लोगों ने क्या करना है ये लास्ट पे जो है ना इसको आप लोगों ने फुल नीचे ले आना है ठीक है उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है यहाँ पे आप लोगों को एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा ठीक है मैं आप लोगों को मार्क करके भी दिखा देता हूँ ये वाला नीचे ऑप्शन नज़र आ रहा है सिंपली आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक कर देना है एंड अब आप लोगों ने इसमें कलर वगैरह जो है ना अपनी मर्जी का रखना है तो सिंपली आप लोगों ने क्या करना है ग्रेडेंट में जाना है एंड ये वाला कलर सेलेक्ट कर लेना है क्योंकि आजकल हम वीडियो में देख रहे हैं एक क्राफ में डबल कलर क्या हुआ था ठीक है अगर आप लोग आप लोगों ने इसे एडजस्ट कैसे करना है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ ठीक है प्लस पे जाना है आप लोगों ने ना यहाँ पे राइट वाले कॉर्नर में इसमें आप लोगों ने रेड सेलेक्ट कर लेना है कलर एंड इस वाले में ग्रीन सेलेक्ट कर लेना है ठीक है एंड यहाँ पे अपनी मर्जी के मुताबिक आप लोगों ने एडजस्ट करके ओके के ऊपर क्लिक कर देना है ठीक है इतना हो गया अब आप लोगों ने टिक टिक के ऊपर क्लिक कर देना है ठीक है अगर आप लोगों का ग्राफ सही नहीं है आप लोगों ने अगेन एडिट पे जाना है इसकी जो ओपेसिटी है ना वो आप लोगों ने कम करनी है ठीक है मैक्सिमम इसकी ओपेसिटी इतनी बेस्ट है सेवेंटी थ्री सेवेंटी के अंदर आप लोगों ने इसकी ओपेसिटी रखनी है ठीक है इतनी ओपेसिटी हमारी होगी अब आप लोगों ने ओके कर देना है ठीक है अब अपनी मत अगर आप लोगों ने इसे बड़ा कर लेना है ठीक है ग्राफ को अपने मुताबिक एडजस्ट कर लेना है इतना हो गया हमारा जो ग्राफ है ना वो क्रिएट हो चुका है ठीक है हमारा ग्राफ थोड़ा सा यार सही क्रिएट नहीं हुआ तो आप लोगों ने अपना जो है ना ग्राफ सेट कर लेना है ठीक है अब हम क्या करते हैं इसको लॉक कर देते हैं ये जो है ना हमारा ग्राफ तो लॉक हो गया अब हमने इसके ऊपर कैसे लिखना है और क्या क्या लिखना है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ सिंपली आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपनी गैलरी में जाना है ठीक है एंड गैलरी में जाने के बाद आप लोगों ने ना मतलब जिस टाइप का थंबनेल बनाया उस टाइप की इमेज सिलेक्ट कर लेनी है जैसे कि मैं इस तरह की थंबनेल वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो मैं इसी तरह के जो है ना थंबनेल सेलेक्ट कर लूँगा ठीक है आपने तीन या चार आपने इस तरह के थंबनेल सेलेक्ट कर लेने एंड आपने इसको एडजस्ट कर लेना है ठीक है इसकी जो आप लोग स्ट्रोक है इसको अनेबल करेंगे कलर आपका मर्जी है आप लोग जो भी रखें ब्लैक रखें वाइट रखें रखे, स्ट्रोक विद अपनी मर्जी से रखना है ठीक है मैं तो कहता हूँ वाइट रख लें ठीक है वाइट रखने के बाद आप लोगों ने इसको थोड़ा सा स्ट्रोक जो है ना बढ़ा देना ताकि ये हमें वीडियो में क्लियर नज़र आना चाहिए ठीक है उसके बाद आप लोगों ने ओके के ऊपर क्लिक कर देना है अब इसकी ओपेसिटी ओपेसिटी अगर आप लोग कम करना चाहें वो भी आपकी मर्जी है मैं तो यही कहूँगा कि हंड्रेड पे रखें ये हमारे लिए बेस्ट है अब नीचे इसका शेड हुआ है अगर आप अनेबल करना चाहें वो भी आपकी मर्ज़ी अगर अनेबल ना करना चाहें वो भी आपकी मर्जी है ठीक है इतना हो गया ओके के ऊपर क्लिक कर देना है अब हमारी एक इमेज जो है वो सिलेक्ट हो चुकी है ठीक है इसको आपने अपने मुताबिक छोटा बड़ा कर लेना है अपनी थंबनेल की लिहाज से जैसे आपको बेस्ट लगे ठीक है अब हमारी एक इमेज सिलेक्ट हो गई अब आप लोगों ने क्या करना है यहाँ से आ जाना है इसको लॉक कर देना है ठीक है अब आप लोगों ने अगेन जाना है फ्रॉम गैलरी एंड यहाँ से आप लोगों ने अपनी दूसरी इमेज सिलेक्ट कर लेनी है ठीक है यहाँ पे मैंने अपनी दूसरी इमेज सेलेक्ट कर ली है इसी को इसको भी मैं सेम इसी तरह करूँगा ठीक है ठीक है मैं इसी को इसको भी इसी तरह कर लूँगा आप लोगों ने देख लेना अगर आपकी वीडियो में दो सही लग रहे हैं तो आप लोगों ने दो लगा लेने अगर तीन सही लग रहे हैं तो आप लोगों ने तीन लगा लेना इसका जो स्ट्रोक है मैं इसको थोड़ा सा आगे कर देता हूँ ठीक है अब अब इतने जो है ना हमारी इमेजेस वगैरह सेलेक्ट हो चुकी हैं ठीक है थीके? आपने इसको अपने मुताबिक एडजस्ट कर लेना है जहाँ पे आपको बेस्ट लगे एंड इसको लोक कर देना है इसको भी आप लोगों ने अपने मुताबिक इसके सेम आप लोगों ने दोनों का साइज वगैरह जो है ना आप लोगों ने सेम रखना है ठीक है एंड इसको भी आप लोगों ने एडजस्ट कर लेना है कोशिश करना है आप लोगों का ग्राफ नज़र आए और ये थंबनेल भी नज़र आए ताकि जो व्यूवर हैं वो आप लोगों की वीडियो देखकर अट्रैक्टिव एट्रैक्टिव हों एंड आप लोगों का थंबनेल नील देख के वो आपकी वीडियो की तरफ आएँ इसे एडजस्ट कर लिया अब मेन चीज़ हम चलते हैं अपने फोन की तरफ ठीक है अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है लिख लेना है वायरल वीडियो अब अपने थंबनेल के रिलेटेड लिखेंगे ठीक है मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ वायरल वीडियो ओके okay. अब मैं क्या करूँगा इसे टेक्स्ट को बड़ा कर लूँगा एंड इसको इस तरह एडजस्ट कर लूँगा नेक्स्ट यहाँ से मैं जाऊँगा इसका फ़ोन सेलेक्ट करूँगा ए बी फोन यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी फ़ोन पड़े हुए हैं आप लोगों ने फ़ोन डाउनलोड कर लेने हैं ठीक है इतना हो गया अब मेरा जो टेक्स्ट है वो एडजस्ट हो चुका है अब मैं क्या करता हूँ इसे भी लॉक कर देता हूँ अपने टेक्स्ट को भी लॉक कर दिया ठीक है अब इतना जो है ना हमने लिख लिया है ठीक है वायरल वीडियो हमने लिख लिया अब आप लोगों ने क्या करना है सिंपली आप लोगों को मैं एक ऑप्शन दिखा देता हूँ ठीक है यहाँ पे आप लोगों को एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा शेप का ठीक है सिंपली आप लोगों ने शेप के ऊपर जाना है एंड यहाँ से आप लोगों ने इसकी जो रेडियस है रेडियस आप लोगों ने इतनी कर देनी है ठीक है या फिर इतनी जैसे आपको बेस्ट लगे एंड यहाँ पे आप लोगों ने इसका जो साइज़ है वो अपने मुताबिक एडजस्ट कर लेना है तो मैं इसका साइज़ इतना रख लेता हूँ ठीक है अब मैं इसको कर देता हूँ इस तरह इतना हो गया अब क्या करना है अब ने दोबारा इसके एडिट पे आ जाना है इसका जो कलर है ना वो आप लोगों ने ग्रीन सेलेक्ट कर लेना है ठीक है इसकी जो ओपेसिटी वगैरह वो आप लोगों ने कम कर देनी है कलर की जो ओपेसिटी है वो आप लोगों ने अगेन आप लोगों को बता रहा हूँ इसकी आप लोगों ने कम कर देनी है ठीक है एंड आप लोगों ने ओके के ऊपर क्लिक कर देना है आपका जो इस तरह जो है ना ये आ जाएगा ठीक है अब आप लोगों ने क्या करना है अगेन आप लोगों ने जाना है टेक्स्ट के ऊपर प्लस पे जाना है टेक्स्ट के ऊपर जाना है यहाँ पे आप लोगों ने अपना टेक्स्ट लिखना है ठीक है इस टेक्स्ट में आप लोगों ने लिखना है थंबनेल ठीक है थंबनेल लिख दिया मैंने अब मैं दोबारा इसके फ़ोन में जाऊँगा एंड मैं इसका फोन वो वही वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ या अगर मुझे कोई और बेस्ट लगता है तो मैं वो वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ सो so, मेरे लिहाज से वही बेस्ट था तो मैं उसी को सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि अगर हम अपनी वीडियो में एक ही थंबनेल को यू फोन को यूज़ करेंगे वो बेस्ट रहेगा हमारे लिए लेकिन ये फ़ोन जो है ना आप लोगों ने अपना मतलब कि देख के फ़ोन सेलेक्ट करना है। जैसे इस फ़ोन में क्लियर समझ नहीं आ रही ठीक है तो फ़ोन आप लोगों ने चेंज करके देख लेना जिसमें क्लियर समझ आए ठीक है इस जैसे कि ये फ़ोन है तो मैं इसको फुल कर लेता हूँ शेप के मुताबिक एंड इसको एडजस्ट कर लेता हूँ शेप में ठीक है ये तो हमारा हो गया ओके अब आप लोगों ने शेप सिलेक्ट सेट करनी है लेट्स सी हमारी जो शेप है वो भी सिलेक्ट हो चुकी है मतलब के बेस्ट हो चुकी है ठीक है अब आप लोगों ने क्या करना है इस इन दोनों को लॉक कर देने ठीक है इतना हो गया हमारी मतलब के हाफ जो थंबनेल नीला है वो क्रिएट हो चुका है हमारा हाफ थंबनेल क्रिएट हो चुका है उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है अगेन प्लस पे जाना है फ्रॉम गैलरी एंड यहाँ से आप लोगों ने ना वो वाली पिक उठा लेनी है जिसके ऊपर आप लोग ट्यूटोरियल देना चाहते हैं मीन्स के थंबनेल क्रिएट करना चाहते हैं या फिर जिसके ऊपर आपने वीडियो अपलोड किया है ठीक है मैंने इस एप्लीकेशन के ऊपर अपलोड किया है तो मैं सिंपली इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ पर इसको छोटा कर लेता हूँ ठीक है मैंने इसको छोटा कर लिया एंड इसको यहाँ पे मैंने एडजस्ट कर दिया अब मैं क्या करता हूँ इसी की सेटिंग करता हूँ ठीक है मैं जाता हूँ इसका स्ट्रोक जो है ना अनेबल कर देता हूँ एंड यहां पे कलर कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ स्ट्रोक आप लोगों ने थोड़ा सा बढ़ा देना है ताकि ये शाइन करे ठीक है मैंने रेड रेड सिलेक्ट कर लिए एंड ओके के ऊपर क्लिक कर देता हूँ अब आप लोगों ने क्या करना है नेक्स्ट आप लोगों ने थ्री डी रूटेट में आ जाना है ठीक है पहले आप लोगों ने देख लेना स्टोक अगर सही लग रहा है तो ठीक है नहीं तो आप लोगों ने इसे कैंसिल कर देना है अब आप लोगों ने थ्री डी शेप में आना है इसे अनेबल कर देना है ठीक है इसकी जो डेप्थ है वो आप लोगों ने बढ़ा देनी है ठीक है डेप्थ आप लोगों ने बढ़ा देनी है एंड यहाँ से आप लोगों ने अगर कलर इसको जो है ना इसको भी आप लोगों ने बढ़ा देना है आपने इसको रखना है टू थर्टी पे रख लेना है ठीक है टू थर्टी के अराउंड रख देना है अब आप लोगों ने ओके के ऊपर क्लिक कर देना है नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है थ्री डी थ्री डी रूटेट पे आना है ठीक है अब ये जो है ना हमारा थोड़ा सा मतलब कि थ्री डी लोगों नहीं रख रहा अपने थ्री डी लोगों को ऊपर आने इसको आपने एडजस्ट कर लेना है ठीक है वाई एक्सिस और इसको एक्स एक्सिस कर लेना है ठीक है इतना हो गया अब आप लोगों ने दोबारा इसके ऊपर आना है आप लेकिन यहाँ पे शेडो में आना है शेडो अनेबल कर देना है रेड के ऊपर क्लिक कर देना है बलर रेडियस आप लोगों ने हंड्रेड कर देना है ठीक है बलर रेडियस हंड्रेड कर देना है ऑफ को भी आप लोगों ने देख लेना है फुल कर देना है एंड इसको आप लोगों ने कम कर लेना है ठीक है और सेट वाई को आप लोगों ने बिल्कुल कम कर देना है नेक्स्ट आप लोगों ने ओके के ऊपर क्लिक कर देना है एंड इम्बोस अगर आप लोग करना चाहें तो इम्बोस को भी आप लोगों ने फुल कर देना है एंड टू थर्टी के अराउंड आप लोगों ने रख के ओके के ऊपर क्लिक कर देना है इतना हो गया अब आप लोगों ने क्या करना है इसे लॉक कर देना है लॉक कर देना है ठीक है आपने इसे थोड़ा सा यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है कि उसको एडजस्ट कर लेना है ठीक है एडजस्ट कर लेने के बाद ना अब आप लोगों ने इसे क्या करना है लॉक कर देना है ठीक कर देने के बाद आप लोगों ने अगेन गैलरी में जाना है एंड वो आप लोगों को ये वाली पीएनजी मैं डिस्क्रिप्शन में, में प्रोवाइड कर दूंगा आप लोगों ने वहां से उठा लेनी है ठीक है अब आप लोगों ने क्या करना है इसे एडजस्ट कर लेना है ठीक है यहाँ पर आप लोगों ने इसे एडजस्ट कर लेना है जैसे आपको बेस्ट लगे आप लोगों ने एडजस्ट कर लेना है ठीक तो यार हमारा जो मींस के थंबनेल है वो क्रिएट हो जाएगा फिर यहाँ पे एडजस्ट कर लिया ठीक है थीके? टोटल हमारा जो है थम्बली वो क्रिएट हो चुका है एंड अब आप लोगों ने क्या करना है सिंपली यहाँ पे जाना है सेव एज इमेज एंड सेव टू गैलरी यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है आपका जो थंबनेल है आपकी गैलरी में आ जाएगा तो बाकी ये थी हमारी आज की वीडियो उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आए तो काइंडली वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फ़िलहाल के लिए अला हाफि